तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या बोलते हैं शॉक एब्जॉर्बर्स ओके दैट डिस्क्राइबड शॉक शॉक एब्जॉर्बर व्हेन द कंपनी फेसेस फाइनेंशियल क्राइसिस तो जब भी कंपनी में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस होता है तो उसका इफेक्ट डायरेक्टली किस पे पड़ता है तो शेयर होल्डर्स पे इक्विटी शेयर होल्डर्स पे तो इसलिए उन लोगों को क्या बोलते हैं शॉक एब्जॉर्बर्स इफ़ द इनकम ऑफ कंपनी फॉल्स द रेट ऑफ डिविडेंड ऑल्सो कम्स डाउन ओके okay, अगर कंपनी की जो इनकम है वो गिर गई ओके इफ इट फॉल्स तो जो इक्विटी शेयर होल्डर वालों का डिविडेंट होता है वो भी कम हो जाता है इट कम्स डाउन ड्यू टू दिस मार्केट वैल्यू ऑफ़ इक्विटी शेयर्स कम डाउन रिजल्टिंग इन टू कैपिटल लॉसेस ओके इसकी वजह से क्या होता है जो इक्विटी शेयर का मार्केट वैल्यू होता है वो भी गिर जाता है एंड उसकी वजह से क्या होता है कैपिटल लॉसेस फेस करने पड़ते हैं थर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स आर मेन रिस्क टेकर्स ओके इसके लिए इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन है मैक्सिमम रिस्क टेकर ओके वो लोग ज्यादा रिस्क उठाते हैं ओके okay, तो रिस्क टेकर्स या फिर शॉक ऑब्जॉर्बर्स किसको बोलते हैं ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है सो दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर्स नेक्स्ट इज रेसिडल क्लेमेंट्स इक्विटी शेयर होल्डर्स एज ओनर्स आर रेसिड्यूल क्लेमेंट्स टू ऑल अर्निंग्स आफ्टर एक्सपेंसिस टैक्सेस एक्सेट्रा आर पेड ओके तो इक्विटी शेयर वालों को सब एक्सपेंसेस के बाद उनको जो होता है वो उनका पेमेंट मिल जाता है लाइक like जो एक्सपेंसिस हुआ जो टैक्सेस होते हैं वो सब पे करने के बाद इक्विटी शेयर वालों को पैसा मिलता है रेसीड्यूल क्लेमेंट मीन्स द लास्ट क्लेम ऑन द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी ओके okay, तो रेसिडुअल क्लेमेंट मतलब क्या जो भी रिमेनिंग uh, पार्ट होता है सब एक्सपेंसेस पे करने के बाद ओके okay, तो द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी जो लास्ट में बचता है वो किसको मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को ऑल दो इक्विटी शेयर होल्डर्स कम लास्ट दे हैव एडवांटेज ऑफ रिसिविंग एंटायर अर्निंग दैट इज लेफ्ट ओवर ओके तो इक्विटी शेयर होल्डर्स लास्ट भी है फिर भी उनको राइट right क्या है या फिर उनको एक एडवांटेज क्या है कि जो भी लास्ट में बचा हुआ रहेगा वॉट एवर अर्निंग्स व्हाट एवर अमाउंट ऑफ मनी जो भी बचा हुआ है वो सब किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स में ओके नेक्स्ट इज नो चार्ज ऑन एसेट ओके नो चार्ज ऑन एसेट मीन्स कि वो किसी भी कंपनी के एसेट पे चार्ज नहीं कर सकते ओके okay? उस पर हक नहीं जता सकते द इक्विटी शेयर होल्डर्स डू नॉट क्रिएट एनी चार्ज ओवर द एसेट्स ऑफ द कंपनी तो इक्विटी शेयर होल्डर्स एसेट पे खुद का हक नहीं दिखा सकते ओके जो भी कंपनी के एसेट्स है वो कंपनी के ही रहेंगे अगर उनको कुछ पैसा नहीं मिला तो वो कंपनी के एसेट्स नहीं ले सकते नाइन्थज बोनस इशू बोनस शेयर्स आर इशूड एज अ गिफ्ट टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स ओके बोनस इशू मतलब शेयर्स uh, होते हैं जो बोनस के टाइप शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं okay? ओके मतलब उनको कुछ पे नहीं करना पड़ता जस्ट एज अ गिफ्ट वो इशू कर देते हैं तो बोनस शेयर आर इशूड एज अ गिफ्ट टू तो द इक्विटी शेयर होल्डर्स ओके गिफ्ट टाइप पे ये जो शेयर्स होते हैं वो शेयर इक्विटी शेयर वालों को दिए है जा तो जाते हैं दिस शेयर्स आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स तो ये जो बोनस शेयर्स होते हैं ओके बोनस इशू जिसे हम बोलते हैं वो किन को किया जाता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर स्पेशल मतलब जो कंपनी में पहले से है Okay, पहले से इक्विटी शेयर होल्डर्स है उन लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है मतलब उन लोग से कुछ पैसा नहीं लेते दीज आर इशूड आउट ऑफ अक्यूमलेटेड प्रॉफिट ठीक तो ये कैसे देते हैं जो अक्यूमलेटेड प्रॉफिट होता है उससे इन लोग बोनस शेयर्स इशू करते हैं ओके अक्यूमेलेटेड जो जमा हुआ प्रॉफिट रहता है कंपनी का उससे कंपनी क्या करती है बोनस शेयर्स इशू करती है बोनस शेयर्स आर इशूड इन प्रोपोर्शन टू द शेयर्स हेल्ड ओके तो बोनस शेयर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है इन द प्रपोर्शन ऑफ शेयर्स हेल्ड मतलब जितना भी शेयर शेयर होल्डर्स का होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स का उसके प्रपोर्शन में उन लोग को मिल जाएगा ओके okay, जैसे कि अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स का वन शेयर है तो अगर वन इज टू वन प्रपोर्शन है मतलब अगर जिस भी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर वालों का एक शेयर है तो उसको एक मिलेगा ओके okay, सपोज प्रोपोर्शनल रेट है टू इज टू वन मतलब एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स का अगर दो शेयर है तो उन लोग को बोनस शेयर कितना मिलेगा एक ओके okay, तो ऐसे प्रोपोर्शनल रेट में उन लोग को बोनस शेयर इशू करते हैं थर्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑर्डिनरी मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स टेन टू ग्रो ऑन इट्स ओन ओके तो इससे क्या होता है जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ जाता है ओके इन द फॉर्म ऑफ बोनस शेयर बेनिफिट इज अवेलेबल ऑन टू द इक्टी शेयर तो इसका एक बेनिफिट इक्विटी शेयर वालों को मिलता है नेक्स्ट राइट के जैसे बोनस है वैसे ही राइट right इशू है वेन अ कंपनी नीड्स मोर फंड फ्रॉम एक्सपांशन पर्पज एंड रेज फॉर द कैपिटल बाई इशू ऑफ शेयर द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स मे बी गिवेन अ प्रायोरिटी टू गेट न्यूली ऑफर्ड शेयर्स दिस इज़ कॉल्ड राइट इशू ओके मतलब अगर कंपनी को ज़्यादा फंड चाहिए ज़्यादा पैसा चाहिए एक्सपांशन करना है या फिर कुछ काम के वजह से कंपनी को ज़्यादा फंड चाहिए कैपिटल ज़्यादा चाहिए ओके okay, तो वो क्या करेगा एक्स्ट्रा कैपिटल इशू करेगा फॉर्दर कैपिटल ओके okay, वो कैसे करेगा बाई इशू ऑफ शेयर्स तो वो शेयर्स बेचेगा और जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के उन लोग एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि उन लोग को प्रायोरिटी दी जाएगी जब आ, राइट ईशू होगा तो मतलब उन लोग को प्रायोरिटी मिलेगी कि वो आ, राइट इशू के शेयर्स है वो खरीद सके तो जो न्यूली ऑफर शेयर्स है वो खरीद सके तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं राइट इशू द शेयर आर ऑफर्ड टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स फर्स्ट इन द प्रपोर्शन टू देर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग तो ये जो शेयर्स है वो किसको दिया जाएगा इक्विटी शेयर वालों को और इन द प्रपोर्शन टू देर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग्स मतलब उन लोग के पहले जितने शेयर्स होंगे उसके प्रपोर्शन में उन लोग को ये न्यू शेयर्स मिलेंगे ओके जैसे बोनस शेयर्स या फिर राइट ईशू हो बोनस शेयर्स या आ, ये वाले जो न्यू ईशूड शेयर्स हो वो कैसे मिलते हैं प्रपोर्शनल के मतलब टू इज टू वन वन इज टू वन में मिलते हैं अगर पहले वो शेयर होल्डर्स के दो शेयर्स हैं तो अगर टू इज टू वन है तो उसको एक मिलेगा अगर टू इज टू टू रहा तो दो शेयर्स पे दो न्यू शेयर्स मिलेगा ओके बट ये जो राइट इशू है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रहता इसके लिए शेयर होल्डर्स को मनी पे करना पड़ता है ओके दे हैव टू बाय दिस शेयर्स ओके वैसे जो बोनस शेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं नेक्स्ट इज फेस वैल्यू द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इज लो ओके इक्विटी शेयर्स की जो वैल्यू होती है फेस वैल्यू वो कैसी होती है लो होती है बहुत कम होती है इट कैन भी जनरली टेन पर शेयर और इवन वन रुपीज ओके okay? तो वो कहा से स्टार्ट होते हैं जनरली टेन रुपीज होती है पर शेयर या फिर कभी कभी वन रुपीज भी हो सकती है ट्वेल्थ मार्केट वैल्यू मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर फ्लक्चुएट अकॉर्डिंगली टू द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दिस शेयर ओके तो जो मार्केट वैल्यू होती है इक्विटी शेयर की वो फ्लक्चुएटिंग होती है चेंज होती रहती है अकॉर्डिंगली टू द डिमांड एंड सप्लाई ओके मतलब मार्केट में जैसे डिमांड एंड सप्लाई चेंज होगा वैसे इक्विटी शेयर्स की प्राइस भी चेंज हो जाएगी द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इक्विटी शेयर डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट ऑन एंड द डिविडेंड डिक्लेयर तो डिमांड एंड सप्लाई किस पे बेस्ड होता है डिपेंडेंट होता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स की या फिर इक्विटी शेयर्स का या फिर कंपनी का जो प्रॉफिट होता है क्योंकि जो कंपनी पूरे साल में प्रॉफिट करती है और जो डिविडेंड डिक्लेयर करती है उस पर डिमांड एंड सप्लाई डिपेंड रहता है वेन अ कंपनी ऑन ह्यूज प्रॉफिट मार्केट वैल्यू ऑफ इट्स शेयर्स इनक्रीजेस ओके तो जब भी कंपनी ज्यादा प्रॉफिट करती है तो मार्केट वैल्यू शेयर्स का ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है ऑन द अदर हैंड वैन इट इनकर्स लॉस द मार्केट वैल्यू ऑफ इट्स शेयर्स डिक्रीजेस ओके तो जब भी कंपनी लॉस करती है तो क्या होता है जो शेयर्स की वैल्यू होती है वो कम हो जाती है तो थर्स देर आर फ्रिक्वेंट फ्लक्चुएशंस इन मार्केट वैन वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इन कंपेरिजन टू अदर सिक्योरिटीजी तो क्या होता है फ्लक फ्रीक्वेंट फ्लक्चुश फ्लक्चुएशंस होते हैं मतलब बहुत बार ऐसा होता है मतलब फ्लक्चुएटिन जो होता है ना वो जल्दी जल्दी होता है ओके और बहुत बार होता है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स चेंज होती है अदर सिक्योरिटीज़ के कंपेरिजन में इक्विटी शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू होती है वो बहुत बार चेंज होती है देफ इक्विटी शेयर्स आर मोर अप्लाइंग टू द स्पेक्टेकुलर्स इसलिए उस पर मतलब ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि उसकी वैल्यू कम जो शेयर मार्केट में हम लोग बोलते हैं ना कि शेयर मार्केट में वैल्यू बढ़ती है कम होती है तो वो मोस्टली इक्विटी शेयर्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट होती है क्योंकि उसके जो वैल्यू है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं द लास्ट इज कैपिटल अप्रिसिएशन शेयर कैपिटल एप्रिसिएशन टेक्स प्लेस वैन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इंक्रीज इन द शेयर मार्केट ओके तो शेयर कैपिटल एप्रिसिएशन कब होता है जब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स बढ़ जाता है कि जब इक्विटी शेयर्स का मार्केट वैल्यू बढ़ जाता है इन द शेयर मार्केट तब क्या होता है कैपिटल एप्रिसिएशन ओके प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रोस्पैरिटी ऑफ द कंपनी इन्हेंसेज रेपूटेशन ऑफ द कंपनी इन द शेयर मार्केट Okay, तो क्या होता है कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है और प्रस्पेरिटी है वो भी बढ़ जाती है उनका जो रेपूटेशन है वो इन्हांस हो जाता है एंड इट फैसिलिटेट्स एप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल मार्केट एंड इट फैसिलिटेट्स कैपिटल एप्रिसिएशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स तो उसकी वजह से क्या होता है जो capital, जो कैपिटल वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है ऑफ इक्विटी शेयर्स बिकॉज ऑफ मार्केट वैल्यू

वोटिंग राइट्स ऑफ सर्च इक्विटी होल्डर्स इज इन प्रपोर्शन टू एज शेयर होल्डिंग्स ओके तो ये जो होती है ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल वोटिंग राइट्स ये कैसे होती है कि जितने भी वोटिंग राइट्स होंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स के उसके प्रपोर्शन में उसकी शेयर्स होगी okay? मतलब वन वोट यानी कि वन शेयर ओके ऐसा होता है और नेक्स्ट टाइप इज इक्विडी शेयर्स विद डिफ्रेंशियल वोटिंग राइट्स सर्च इक्विट टी होल्डर शाल हैव वैरिंग राइट्स रिगार्डिंग डिविडेंड वोटिंग और अदरवाइज अकॉर्डिंग विद द रूल फोर ऑफ कंपनीज रूल टू थाउजेंड फोर्टीन दैट इज शेयर कैपिटल एंड बेंच मतलब ये जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनके राइट बदलते रहते हैं एज पर द डिविडेंड वोटिंग ओके जो यहाँ पे कहा दी है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर फोर ऑफ कंपनीज रूल टू थाउजेंड फोरटीन दैट इज फ्रॉम शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स दर्ज कंपनी कैन इशू शेयर्स विद द लिमिट वोटिंग राइट्स एंड नो वोटिंग राइट्स तो कंपनी कैसे शेयर इशू करती है लिमिटेड टू वोटिंग राइट्स या फिर नो वोटिंग राइट्स दे मे बी एंटाइटल टू एक्स्ट्रा रेट ऑफ डिडेंड इफ एनी ओके दे माइट गिव एक्स्ट्रा डिविडेंड और द रेट ऑफ डिविडेंड इफ एनी थैंक यू गायज फॉर वाचिंग दीडियो आई होप यू अंडरस्ट दीडियो Please like, share and subscribe to my channel.